एडिट करने के बाद एक छोटी सी मिस्टेक मेरे से हो गई थी कि मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया था और उसके बाद लास्ट में मैं अपलोड करना भूल गया। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम मधमेश्वर वैली। आज के दिन की शुरुआत करते हैं हम लोग। कल रात को मधमेश्वर वैली में एंटर हुए थे और लगभग 8 बजे के करीब हम लोग यहाँ पहुँचे थे। साथ में है विजय और हम लोग वैसे आरके सिस्टर के साथ आरके और जो शादी थी उसका मेहंदी का वीडियो आप लोगों को देखने को मिला। और ये है रास्ता जो माँ राकेश्वरी टेम्पल में जाता है और छोटे बच्चे। चलो भाई क्या है उस पे? ये जूस। कौन सा जूस है? चलो कोका कोला। और अभी हम लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम लोग अभी टेंपल में जा रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, लगभग आपका 12 बज गया है और हम लोगों का अभी नाश्ता हुआ। तो और कुछ लोग हैं उनका खाना हो रहा है तो वो खाने के लिए भी बुला रहे थे कि खाना आ जाओ, पर अभी नाश्ता किया तो खाना तो खैर अभी कैसे खाएं। प्रणाम भाई। और टेंपल तक आपको जो रूट है, जो रोड है टेंपल पे आ रखी है, टेंपल से जस्ट 150 मीटर नीचे पे है और शॉर्टकट भी है। यहाँ से एंटर होगा आपका महाराकेश्वरी। अभी तक आ गया ना बोल। इधर सामने आपका माँ राकेश्वरी। ये दादा
फिलहाल जो शूट देखने को मिला आपको और जितना मैंने आपको दिखाया माँ राकेश्वरी जो टेम्पल है, टेम्पल के बारे में जितना आपको देखने को मिला और इसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जितना मुझे पता है वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जब चंद्रमा इस स्थान पर तपस्या करने के लिए आए थे और उनको जब अमृत की जो प्राप्ति हुई थी तो तब जाके जो माँ राकेश्वरी टेम्पल है, टेम्पल का उद्घाटन हुआ था, तब जाके इस स्थान पर माँ राकेश्वरी प्रसिद्ध हुए थे। तो और माना जाता है कि इस स्थान को कि जो इच्छाएं होती हैं और जो मनोकामनाएं होती हैं उनको जब कोई लेके आता है इस माँ के दरवाजे पे तो वो सारी चीज़ें पूरी होती है। तो इसीलिए ये टेम्पल आपका काफ़ी फेमस है जो माँ राकेश्वरी का है और जो मधमेश्वर वैली में है, तो ये टेम्पल आपका काफ़ी फेमस है। फिलहाल मेरे साथ अभी जो मेरी छोटी बहनें हैं शालू हो गया और अंजू हो गया, दोनों हैं और साथ में हैं मुकुल भाई। मुकुल भाई बिजी हैं अपने इंस्टाग्राम पे। तो फिलहाल काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने, कल रात को आए थे और शायद डांस किया होगा नहीं किया होगा वो पता नहीं, क्योंकि मुझे कल रात एडिटिंग करना था। जो आज का ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिला वो ब्लॉग हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया, वो शूट कर वो मुझे एडिट करना था और एडिट करने के बाद एक छोटी सी मिस्टेक मेरे से हो गई थी कि मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया था और उसके बाद लास्ट में मैं अपलोड करना भूल गया। मैं सोचा कि थोड़ी देर में करता हूँ, थोड़ी देर रात को भूल गया और मॉर्निंग में जब 8 बजे मेरी नींद खुली तो नींद खुलने के बाद तब जाके मुझे ध्यान आया मैंने तो वीडियो अपलोड ही नहीं किया और तब जाके मैंने लगभग 8:15 पे या 25 पे अपलोड किया, क्योंकि मेरा जो अपना शेड्यूल है वो 8 बजे है, 8 बजे पब्लिश हो जाता है। आज थोड़ा सा टाइमिंग का इशू हो गया तो फिलहाल ऐसी चीज़ें फिर नहीं होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये तो खैर कोई बोलने वाली बात नहीं है। आपको अगर इससे अगर हमारे इस चैनल के ज़रिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, प्यारे से कमेंट कीजिए कि आपको किस टाइप के वीडियोज़ चाहिए, पहाड़ से रिलेटिव आपको जिस टाइप के वीडियोज़ चाहिए वो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट में बता सकते हो, तो मैं आपको उसी टाइप के वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो फिलहाल मिलता है आपको नीचे शादी में और सालो बाय बाय, प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं आपको और छोटे बच्चे ये है पीछे, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, फिलहाल बाय बाय। नमस्कार, लगभग अभी सारे लोग निकल गए हैं और मैं यहाँ पे बातें करने पे लग गया भाई के साथ, और अभी मेरे साथ आकाश भाई है जो लगभग हमारी वीडियोस को डेली वॉच करते हैं और अच्छा भी लगता है, एक मोटिवेशन भी मिल जाता है कि चलो जिस काम के लिए हम इतने टाइम से कर रहे हैं और थोड़ा बहुत जो हमारी जो मेहनत है वो लोगों तक पहुँच रही है और लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। आकाश भाई थैंक यू, और आप भी देखते रहिए वीडियोज़ और हम लोग भी आएंगे कुछ टाइम बाद आएंगे, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं जो नंदीकुंड का जो ट्रैक है और इस रूट पे ज़रूर एक बार विजिट करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। कि वैसे तो मैंने मॉर्निंग से आप लोगों को दिखाया है जो मधमेश्वर वैली है कैसी है, और कल जाने का टाइम हो गया हमारा भी और मिलते हैं और ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखना और हम भी आपको नई नई जगह घुमाते रहेंगे, नए नए कल्चरल प्रोग्राम दिखाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, और फिलहाल गाड़ी भी आ चुकी है, सारे लोग बैठ गए, अब शायद से लास्ट में पीछे बैठने की नौबत आ जाएगी, तो निकलता हूँ, मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में, निकलता हूँ। ठीक है आकाश भाई, ठीक है भाई, ठीक है, बढ़िया कर रहे हो, ठीक है, ठीक है यार, थैंक यू सपोर्ट करने के लिए, बाकी मिलते रहेंगे। और फिलहाल हम लोग भी निकल गए हैं और कल मैं दुकान पे लगभग आधा घंटे पहले दुकान पे पहुंचा और जो थोड़ा बहुत सफाई करनी थी वो क्लियर की और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने का टाइम हो चुका है। मिलते हैं आपके साथ एक नए दिन नई सुबह के साथ, और अगर कोई हमारे इस चैनल पे नया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्यारे से कमेंट करना ताकि मैं आपको पहाड़ से रिलेटिव ऐसे और अनोखी वीडियोस लाता रहूँ। मिलता हूँ एक नए दिन नई सुबह के साथ, फिलहाल के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।
मिलते हैं मॉर्निंग में, तो फिलहाल के लिए बाय।